हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेब कोडिंग। तो अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो, डिज़ाइनर हो या फिर वेब डेवलपर हो, तो आज का जो ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पांच ऐसे यूजफुल क्रोम एक्सटेंशन के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आपको 100% हेल्प करेगा आपके प्रोडक्टिविटी को इनक्रीज करने में, आपके टाइम को सेव करने में। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को पता होता है कुछ एक्सटेंशन के बारे में, बट उसे यूज़ कैसे करना है ये नहीं पता होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे एक्सटेंशन के नाम भी बताऊंगी, किस तरह से हम लोग उसे डाउनलोड करेंगे एंड किस तरह से हम लोग उसे यूज़ करने वाले हैं, किस तरह से वो हमें बेनिफिट देगा, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, कोई भी टूल्स मिस मत करना, क्योंकि टूल के नाम आपको भले ही पता चल जाए बट उसे यूज़ करने भी हमें आना चाहिए, तभी वो हमें हेल्प करती है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना एक क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। तो अभी क्रोम एक्सटेंशन को हम लोग डाउनलोड कैसे करेंगे, हम लोग चाहे तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, जो भी हमारे एक्सटेंशन का नाम है उस नेम के साथ आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। या फिर हम लोग गूगल पे सर्च करेंगे क्रोम एक्सटेंशन तो हम लोग क्रोम एक्सटेंशन के वेब पेज पे भी चले जाएंगे। बट यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग किस तरह से क्रोम के वेब स्टोर पे जा सकते हैं। तो ये पूरा आपको दिख रहा होगा ब्राउज़र, यहाँ पे देख सकते हो 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इस पे हमें क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो ये देख सकते हो एक्सटेंशन दिख रहा है। तो अगर हम लोग मैनेज एक्सटेंशन करेंगे तो जो भी एक्सटेंशन होंगे इस ब्राउज़र पे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो ये मैंने किया, देख सकते हो कोई भी एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है अभी। अभी मैं आप लोगों को क्रोम के वेब स्टोर पे लेके चलती हूँ। तो अगेन यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे और ये देख सकते हो यहाँ पे सेकेंड जो ऑप्शन है वो है विजिट क्रोम वेब स्टोर। सिंपली हमें इस पर क्लिक करना है, क्रोम का जो वेब स्टोर है इसका पूरा डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक्सटेंशन पे आएंगे एंड यहाँ पे देख सकते हो टॉप में एक सर्च का ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है सर्च एक्सटेंशन एंड थीम। तो हम लोगों को एक्सटेंशन सर्च करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली क्रोम एक्सटेंशन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उस एक्सटेंशन का नाम है, वो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे फुल पेज। ये देख सकते हो जैसे ही मैंने लिखा फुल पेज तो इतने सारे एक्सटेंशन यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। ये फर्स्ट वाला एक्सटेंशन जो यहाँ पे दिख रहा है गो फुल पेज स्क्रीन कैप्चर, ये वाले एक्सटेंशन मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो क्लिक किया मैंने, तो आप लोग चाहे तो इस एक्सटेंशन के बारे में यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो, इसके ओवरव्यू को यहाँ पे देख सकते हो कि इस एक्सटेंशन का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए। तो आप लोग चाहे तो ये सारी चीज़ें देख लेना, बट मैं यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली इसे क्रोम में कैसे ऐड करना है ये दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में ऐड टू क्रोम का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली हमें इस पर क्लिक करना है, एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे ऐड एक्सटेंशन। तो ये देख सकते हो हमारा एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और वेलकम मैसेज यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो इसे मैं यहाँ से क्लोज करती हूँ। तो जब हम लोग एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं तो हमारे क्रोम ब्राउजर में ये जो आइकन यहाँ पे हमें दिख रहा है, इस आइकन में हमें सारे एक्सटेंशन दिखते हैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हो ये एक्सटेंशन यहाँ पे आ चुका है। तो अब हमें इसे चेक करना है, इसके लिए हम लोग यहाँ आते हैं गूगल पे। तो इस एक्सटेंशन का काम क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे जैसे यही वेबसाइट है तो अभी हमारे स्क्रीन पे ये इतना ही पार्ट दिख रहा है, बट हम लोग चाहते हैं कि ये जो पूरी वेबसाइट है ये एक इमेज की तरह हम लोग कैप्चर करें और ये सारे कंटेंट उस इमेज में आ जाए। तो अगर मैं इतना यहाँ पे रख के अगर स्क्रीन कैप्चर करूँ तो हम लोग सिर्फ इतने ही पार्ट को कैप्चर कर पाते हैं, पूरी वेबसाइट को हम लोग कैप्चर ही नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए इस एक्सटेंशन का यूज़ किया जाता है। अभी मैं यहाँ पे कोई एक वेबसाइट ओपन करती हूँ, जैसे ये नेटफ्लिक्स की वेबसाइट मैं ओपन कर लेती हूँ यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हमें इतना ही सेक्शन डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, बट मुझे इस पूरे वेबसाइट को कैप्चर करना है इमेज में, ये बिल्कुल फुटर तक मुझे ये कैप्चर करना है। अगर मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप के स्क्रीन कैप्चर को यूज़ करूँ तो सिर्फ इतने ही पार्ट को मैं कैप्चर यहाँ पे कर सकती हूँ, बट क्योंकि अब मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है तो मैं यहाँ पे पूरे वेबसाइट को कैप्चर करूँगी इमेज की तरह। तो वो कैसे करना है, जिस भी वेबसाइट को आपको फुल कैप्चर करना है उस वेबसाइट को यहाँ पे ओपन करना है, यहाँ पे जो एक्सटेंशन का आइकन दिख रहा है सिंपली इस पे हमें क्लिक करना है, ये जो एक्सटेंशन है इस पे हमें क्लिक करना है। अभी इस एक्सटेंशन ने अपना काम शुरू कर दिया है, ये देख सकते हो ये प्रोसेस हो रहा है, ये देख सकते हो। तो यहाँ पे इस एक्सटेंशन ने अपना काम कर दिया है, ये पूरी की पूरी वेबसाइट एक इमेज में कैप्चर हो गई है, वेबसाइट में जितने भी कंटेंट थे टॉप से फुटर तक वो सारे इस इमेज में यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अब हम लोग चाहे तो इसे यहाँ पे एक इमेज की तरह डाउनलोड कर सकते हैं और हम लोग PDF की तरह भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं PNG की तरह इसे डाउनलोड करती हूँ एंड इसे मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देख सकते हो। इसे मैं यहाँ पे जूम करूँगी तो ये देख सकते हो कंटेंट की जो क्वालिटी है ये भी बिल्कुल सेम है, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। आप लोग कभी कभी अपने प्रोजेक्ट बनाते हो तो वहाँ पे आप लोग चाहते हो कि अपने फुल प्रोजेक्ट को कैप्चर करें तो इस एक्सटेंशन का यूज़ आप लोग कर सकते हैं। एंड आई होप आप लोगों को ये एक्सटेंशन काफ़ी हेल्प करेगी।
तो ये हमारा हो चुका है फर्स्ट एक्सटेंशन, इसे मैं यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। इस नेटफ्लिक्स की वेबसाइट को मैं यहाँ पे ओपन रखूंगी, क्योंकि जितने भी एक्सटेंशन मैं अभी इंस्टॉल करूंगी वो सब मैं इस वेबसाइट पे ही आप लोगों को चेक करके दिखाऊंगी। सेकेंड जो एक्सटेंशन है वो है CSS व्यूअर, ये देख सकते हो सर्च किया मैंने, यहाँ पे आ चुका है। इसे मैं यहाँ ओपन करती हूँ। अभी सबसे पहले इसे अपने क्रोम में हम लोग ऐड करते हैं। ऐड टू क्रोम किया, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक किया, ये एक्सटेंशन में ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करके दिखाती हूँ, ये देख सकते हो ये एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अब इस एक्सटेंशन का क्या काम है, वापस से आते हैं नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पे। तो CSS व्यूअर जो एक्सटेंशन है ये हेल्प करता है एक बिगनर को जो CSS सीख रहे हैं, अगर किसी वेबसाइट का क्लोन बना रहे हैं एंड उस वेबसाइट में क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज की गई है, क्या कलर यूज किए गए हैं, क्या बैकग्राउंड कलर यूज किया गया है, ये सारी चीजें इस एक्सटेंशन को यूज करके आपकी काफी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करते हैं एक्सटेंशन पे और यहाँ क्लिक करते हैं CSS व्यूअर पे। तो ये देख सकते हो इस वेबसाइट के अंदर जो भी CSS प्रॉपर्टीज ऐड की गई है वो यहाँ पे दिख जाएगी। फॉन्ट और टेक्स्ट के लिए क्या प्रॉपर्टी यूज किया गया है, यहाँ पे देख सकते हो फॉन्ट जो सेलेक्ट किया गया है वो Netflix Sans फॉन्ट है, जो कि Netflix की वेबसाइट का अपना फॉन्ट है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से पता चल जाती है। तो अगर हम लोग कुछ सीख रहे हैं तो अगर इतनी भी चीजें हम लोगों को पता चल जाती है तो हमें काफी हेल्प मिल जाता है चीजों को समझने में और चीजों को सीखने में। तो अगेन एक बिगनर के लिए ये काफी अच्छा एक्सटेंशन है, इसे आप लोग यूज कर सकते हो। ये सिर्फ Netflix ही नहीं, अगर आप किसी भी वेबसाइट पे इसे ओपन करोगे तो उसी वेबसाइट की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आप लोगों को दिखेंगी। एंड यहाँ पे एक चीज, जब भी ये यहाँ पे ओपन होगा तो हम लोग कर्सर का यूज यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, मीन्स हम लोग यहाँ पे क्लिक नहीं कर सकते। तो इसे यहाँ पे हटाने के लिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे चला जाएगा। तो ये हो चुका है, तो दो एक्सटेंशन हम लोगों ने देख लिए। अभी यहाँ वापस से आते हैं, यहाँ पे जो थर्ड एक्सटेंशन मैं आप लोगों को बताऊंगी ये किसी भी डेवलपर को 100% हेल्प करेगी। तो इस थर्ड एक्सटेंशन का नाम है कलर जिला, ये देख सकते हो आ चुका है यहाँ पे कलर जिला, इसे ओपन किया मैंने। तो सबसे अमेजिंग जो एक्सटेंशन मुझे लगती है वो यही एक्सटेंशन है, क्योंकि ये बहुत हेल्प करती है। इसे मैं सबसे पहले तो ऐड करती हूँ क्रोम में, ऐड एक्सटेंशन दिया मैंने। तो ये देख सकते हो नया विंडो ओपन हो गया, कलर जिला इंस्टॉल, ये इंस्टॉल हो चुका है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसे यहाँ से कट करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं, ये देख सकते हो ये ऐड हो चुका है। तो अभी वापस से हमें इसे चेक करना है, तो आते हैं यहाँ पे Netflix की वेबसाइट से या फिर कोई और वेबसाइट यूज कर लेते हैं। तो सपोज मैं जोमेटो की वेबसाइट ओपन करती हूँ यहाँ पे, तो चलो अभी मैंने यहाँ पे वेबसाइट चेंज कर लिया है, ठीक है। एंड इस वेबसाइट पे हम लोग इस एक्सटेंशन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं एक्सटेंशन पे और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी कलर जिला पे। तो यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, हम लोग किसी भी वेबसाइट पे कलर पिक कर सकते हैं, जो भी कलर हम लोगों ने ऐड किया उसकी हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं, वेब पेज के कलर को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सारी एडिशनल चीज़ें हैं जो कि आपको इस एक्सटेंशन में ही मिल जाएगी। जैसे मैंने ग्रेडियंट पे यहाँ पे क्लिक किया, अभी CSS ग्रेडियंट जनरेटर पे यहाँ से आप लोग अपने अकॉर्डिंग कोई भी ग्रेडियंट क्रिएट कर सकते हो। ये देख सकते हो ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, एंड यहाँ से हम लोग साइज भी चेंज कर सकते हैं। और इसका जो पूरा CSS कोड है ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो सिंपली इस कोड को हम लोग कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। तो एक एक्सटेंशन के साथ हमें ये सारे टूल्स भी मिल जाते हैं। तो यहाँ अगेन मैं इस पर क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे टॉप में देख सकते हो पेज कलर पिकर एक्टिव, इस पर क्लिक करती हूँ मैं। तो अभी ये प्लस का जो साइन दिख रहा है इसे हम लोग जहाँ भी लेके जाएंगे ये उस जगह के कलर को पिक करेगा। ये देख सकते हो जैसे ये व्हाइट यहाँ पे बैकग्राउंड दिख रहा है, तो यहाँ पे अभी ये है। टॉप में देख सकते हो आप ब्लैक पैनल के अंदर आपको इसका RGB कोड दिख रहा होगा, इसका हेक्स कोड दिख रहा होगा, एंड व्हाइट कलर का आप लोगों को हेक्स कोड और RGB कलर को पता ही होगा। तो इससे ये तो क्लियर हो रहा है कि ये सही कलर पिक कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो ये देख सकते हो वहाँ पे RGB और हेक्स कोड की वैल्यू चेंज हो गई है, इट मीन्स कि ये हमारा सही कलर पिक कर रहा है। और यहाँ से हम लोग कलर को पिक कर, तो जो भी कलर यहाँ पे पिक हो रहा है वो कलर वहाँ पे ऊपर अपडेट हो जा रहा है। तो इस तरह से छोटे छोटे कलर को भी हम लोग इसके थ्रू पिक कर सकते हैं। तो पिक कैसे करना है, जैसे सपोज मुझे ये ब्राउन कलर चाहिए, तो ये ब्राउन कलर यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे देख सकते हो कलर कॉपी मैसेज लिख के आ रहा था, इट मीन्स कि हमारा कलर यहाँ पे कॉपी हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ कंट्रोल भी, तो ये देख सकते हो ये जो कलर है ये यहाँ पे पिक हो चुका है, अभी ये यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। यहाँ पे हम लोग वापस ओपन करते हैं, तो ये पिक कलर आउटसाइड ब्राउजर, ब्राउजर के आउटसाइड अगर कुछ कलर पिक करना है तो भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। कलर पिकर पैनल आप लोगों को टॉप से दिखता है जब भी हम लोग कलर पिक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नीचे आते हैं स्क्रॉल करके, तो ये देख सकते हो वेब पेज कलर एनालाइजर। तो इससे क्या होगा कि ये जो वेबसाइट है जोमेटो की, इस वेबसाइट में जितने भी कलर यूज किए गए होंगे वो सारे कलर आपको दिखेंगे। इस पर क्लिक कर रही हूँ मैं, ये एनालाइज कर रहा है, ये देख सकते हो CSS कलर ऑन दिस पेज, इस पेज पे जितने भी कलर यूज किए गए वो सारे कलर ये यहाँ पे हमें दिखा देगा। एंड जैसे ही हम लोग इस किसी भी कलर पे क्लिक करेंगे तो इसका जो RGB कोड है, जो हेक्स कोड है, वो सारे कोड भी हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जब इतनी चीजें हमें यहाँ पे मिल जा रही है तो हम लोग इसे अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं, अगर हमें
सेम कोड ऐड करना है तो। एंड यहाँ पे पैलेट ब्राउजर भी दिया गया है, तो इसके अंदर भी यहाँ पे देख सकते हो पूरा पैलेट मिल जाता है कलर का। यहाँ से हम लोग कलर क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो काफ़ी अच्छा एक्सटेंशन है ये एंड काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आप लोगों को अगर ये नहीं पता है तो आप लोग इसे आज से यूज़ करना शुरू करें। तो ये तीन एक्सटेंशन अभी हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वापस से अपने क्रोम वेब स्टोर पे, एंड यहाँ पे फोर्थ एक्सटेंशन जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है फॉर फॉन्ट। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इस एक्सटेंशन का यूज़ हम लोग करते हैं फॉन्ट को फाइंड करने के लिए, मीन्स किसी वेबसाइट में कौन सा फॉन्ट यूज़ किया गया है, ये हम लोग इस एक्सटेंशन की मदद से देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसे हम लोग ऐड करते हैं अपने क्रोम में। ऐड एक्सटेंशन दिया मैंने, तो ये यहाँ पे ऐड हो चुका है क्रोम में। यहाँ जो अननेसेसरी टैब ओपन है इसे मैं यहाँ से क्लोज करती हूँ एंड यहाँ पे देखते हैं एक्सटेंशन के अंदर। तो ये देख सकते हो ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अब हम लोग इसे यूज़ कैसे करेंगे, वापस से आते हैं जोमेटो की वेबसाइट पर, इसे एक बार रिफ्रेश कर देते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम लोग एक्सटेंशन पे आएंगे और ये जो व्हाट फॉन्ट हमने ऐड किया था इस पर क्लिक करेंगे। तो इस वेबसाइट पर हम लोग आते हैं और किसी भी फॉन्ट के ऊपर हम लोग कर्सर को मूव करते हैं, ये देख सकते हो। तो ये कौन सा फॉन्ट है ये हमें यहाँ पे दिख जाता है, ये देख सकते हो फॉन्ट फैमिली ओकरा, मीन्स इस जोमेटो की वेबसाइट पे जो फॉन्ट यूज़ किया गया है वो ये फॉन्ट है। तो इस वेबसाइट में प्लस पॉइंट क्या है कि ये हमें फॉन्ट तो बता ही रहा है, बट जैसे ही मैं यहाँ पे फॉन्ट के ऊपर हवर करूँगी माउस को लेके जाऊँगी तो यहाँ पे देख सकते हो क्लिक टू गेट सिमिलर फॉन्ट। तो जब हम किसी फॉन्ट को एक्सेस नहीं कर पा रहे तो हम लोग जैसे नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पे मैंने दिखाया था नेटफ्लिक्स 10, वो एक नेटफ्लिक्स का अपना ही फॉन्ट था तो उस फॉन्ट को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो वैसे केसेस में देख सकते हो यहाँ पे क्लिक टू गेट सिमिलर फॉन्ट का ऑप्शन आता है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो जो भी इसके सिमिलर फॉन्ट होंगे वो सारे फॉन्ट के सजेशन हमें ये एक्सटेंशन यहाँ पे दिखा देता है, ये देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा टू इन काम हो जाता है। जैसे अभी मैं नेटफ्लिक्स की वेबसाइट ओपन करती हूँ एक बार फिर से, क्योंकि नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पे अपना ही फॉन्ट यूज़ किया गया है तो वो फॉन्ट हमें यहाँ पे गूगल पे मिलेगा नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को कुछ सिमिलर सा फॉन्ट मिल जाए। अभी यहाँ पे कर्सर को लेके जा रहे हैं तो देख सकते हो फॉन्ट हमें यहाँ पे दिख जा रहा है। तो अभी ये फॉन्ट तो हम लोग यूज़ कर नहीं सकते, तो हम लोग चाहते हैं कि कुछ सिमिलर फॉन्ट मिले। तो क्लिक टू गेट सिमिलर फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, इसके सिमिलर जितने भी फॉन्ट होंगे वो सारे यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इन सारे फॉन्ट को यूज़ करने के लिए हम लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग जो भी यहाँ पे फ्री लिख के आ रहा है वो सारे फॉन्ट यहाँ पे फ्री है, तो इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो कॉमर्शियल लिख के आ रहा है जो रेड में दिख रहा है ये सारे पेड हो सकते हैं, उसके लिए आप लोगों को कुछ पे करना पड़ सकता है इन फॉन्ट्स के लिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो फ्री है उसे हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो अगेन ये भी एक काफ़ी हेल्पफुल एक्सटेंशन है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना ही चाहिए था। अभी आते हैं हम लोग वापस से क्रोम वेब स्टोर में, एंड यहाँ पे जो लास्ट एक्सटेंशन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ, उस एक्सटेंशन का नाम है चेक माई लिंक। तो ये देख सकते हो चेक माई लिंक्स यहाँ पे आ चुका है। ऐड करते हैं क्रोम में, ऐड एक्सटेंशन किया मैंने, तो ये देख सकते हो ये यहाँ पे ऐड हो चुका है और ये न्यू विंडो में ओपन हो गया, इसे क्लोज किया मैंने। तो अभी देखते हैं कि ये एक्सटेंशन हम लोगों को कैसे हेल्प करने वाला है। अगर आप एक डेवलपर हो तो आप लोगों को ये एक्सटेंशन 100% हेल्प करेगी, अगर आप एक बिगनर हो तो भी आप लोगों को इस तरह के एक्सटेंशन मालूम होने चाहिए। हो सकता है कि आप लोग इनिशियल लेवल पे इसे यूज़ ना करो बट आगे जाके आप लोग इसे 100% यूज़ करोगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसे यूज़ कैसे करेंगे। ये नेटफ्लिक्स की वेबसाइट ओपन है, इसके ऊपर ही हम लोग चेक कर लेते हैं इस एक्सटेंशन को। तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है चेक माई लिंक्स, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया मैंने तो ये देख सकते हो लिंक का रिजल्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मीन्स ये एक्सटेंशन जो है हमें बताता है कि एक वेबसाइट पे टोटल कितने लिंक्स ऐड किए गए, कितने वैलिड लिंक्स है, कितने रीडायरेक्टिंग लिंक्स है, कुछ वार्निंग्स है या नहीं, कितने इनवैलिड लिंक्स है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस एक्सटेंशन के थ्रू पता चल जाती है। जैसे ये नेटफ्लिक्स की वेबसाइट है यहाँ पे देख सकते हो टोटल 12 वैलिड लिंक है, यहाँ पे 10 ऐसे लिंक है जो कि रीडायरेक्ट करते हैं किसी दूसरे पेज पे एंड यहाँ पे कोई भी इनवैलिड लिंक ऐड नहीं किया गया है। तो जब हम लोगों को किसी वेबसाइट को एनालाइज करना होता है, वेबसाइट को अच्छे से SEO पर्पस के लिए यूज़ करना होता है, वैसे केसेस में हम लोग इस एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि ये सारे एक्सटेंशन आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेंगे। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, आप लोगों ने इसे इंस्टॉल नहीं किया है, कभी यूज़ नहीं किया है, तो आप लोग इसे 100% ऐड कर लेना। एंड अगर आप लोगों को कुछ और भी ऐसे एक्सटेंशन के बारे में पता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि मुझे भी आप लोगों से कुछ सीखने को मिले। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, जितना हो सके इसे और लोगों तक शेयर करें। एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह के और भी कंटेंट आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।